दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं इरेगुलर पीरियड्स के बारे में। जो महिलाएं इरेगुलर पीरियड्स की वजह से परेशान हैं, यानी कि उनका महीना ऊपर नीचे होकर आता है, डेट टू डेट नहीं आता है, समय पर नहीं आता है, जो समय आपको पता है। आपको पता है कि हमारे पीरियड स्टार्ट हुए थे मंथ के 5 तारीख को, 5 तारीख को आपके पीरियड शुरू हुए थे, लेकिन अगली 5 तारीख को आपके पीरियड शुरू होने चाहिए, तो 5 को नहीं हुए, 10 को हुए, 15 को हुए। इस तरीके से आपके 10 से 5 दिन जो है ऊपर चढ़ जाते हैं, या फिर महीने में आपको 2 बार पीरियड्स आ जाता है। ये सारी प्रॉब्लम होती है इरेगुलर पीरियड की वजह से। तो इरेगुलर पीरियड को जो है रेगुलर करने का सही तरीका आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसमें लेना है क्यूमिन, जो है जीरा। जीरा हर किसी के रसोई घर में होता ही है। जीरा सब्जी दाल वगैरह के छौके के काम में आता है। ये आपको जीरा लेना है। जीरा हमारे जो है पेट में दर्द होता है, पीरियड के दिनों में पेड़ों पे दर्द होता है, या फिर पेट में दर्द रहता है अक्सर कमर में, तो उन दर्द से भी आपको निजात दिलाएगा। दूसरा आपको लेना है गुड़। तो कितना लेना है गुड़ आपको एक बार के डोज के लिए, सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं 1 गिलास, और इसमें लेंगे पानी। तो हमें गिलास में सादा नॉर्मल पानी लेना है, जो पानी आप पीने के काम में लाते हैं वही 1 गिलास भर के हमें पानी लेना है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी वो है इसमें जीरा। तो जीरा आपको कितना लेना है आइए वो देखते हैं। तो आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच भर के जीरे को डाल लेना है। साथ ही इसमें आधा इंच का टुकड़ा लेना है आपको गुड़ का, और इसको अच्छी तरह से आपको पूरी रात के लिए छोड़ देना है। सुबह में जब मॉर्निंग में आप उठेंगे तो उठ के आपको करना क्या है, इस पानी को किसी बर्तन में डालना है, गुड़ और जीरे के साथ में इसको हल्का सा गुनगुना करना है, और इसको फिर छान के पी लेना है। ये आपको रोज़ाना सुबह खाली पेट करना है। 4 से 5 दिन आप करके देखिए, इससे आपके पेट का दर्द भी दूर होगा, और आपके पीरियड्स के दिनों में जो दर्द होता है उस दर्द से भी आपको राहत मिलेगी, और इररेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम आपकी जो है रेगुलर हो जाएगी, यानी कि ठीक हो जाएगी। अगर आपको महीना जो है महीने में 2 बार आता है, या फिर 1.5-2 महीने बाद आता है, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी। ये देसी नुस्खा बहुत ही ज़्यादा कारगर है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इसका फ़ायदा लीजिए।